Subscribe to our channel and press the bell icon. Guru ji ne vishayon ke liye aise unki shiksha se aise naujawan aage aaye hain aur ye unhone farm bhi bhare hain bekaida ke jo aisi vishyavarti mein lipt jo ladke hum unke sath shaadi karenge wo aisa kyon hua kyunki hamare guru ji ne unko aisi shiksha di hai aap ye dekho na हमारा देश नंबर वन पे आए नंबर वन बने दुनिया में पहले भी नंबर वन पे था इंडिया और हम चाहते हैं कि हमारा देश अब भी नंबर वन बने और ये सारा कार्य हमारे गुरुजी कर सकते हैं जी आज फिर से हम एक बार डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स के बीच पहुंचे हैं और जानेंगे क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा के सच आखिर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं लोगों का उसमें क्या मानना है क्या वहाँ पर होता था डेरा सच्चा सौदा में आप देखते रहिए द फैक्ट आई जी मैम आपका क्या नाम है मेरा नाम उर्मिला इंसान जी आपको डेरा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए होंगे लगभग मेरे को 25 वर्ष हो गए जी तो जैसा कि आपने देखा होगा मीडिया में बहुत कुछ दिखाया गया है गुरुजी को लेके तो आपका उसके बारे में क्या मानना है वो बिल्कुल झूठ है जी 100% झूठ है मीडिया ने इतना गलत दिखाया बहुत ही ज़्यादा गलत दिखाया वो बिल्कुल झूठ है ये हमारे से पूछो ना क्या है हम वहाँ जाने वाले हम 25 साल से जा रहे हैं मेरी बेटी जा रही मेरा बेटा जा रहा मेरे घर वाला जा रहा मैं खुद जाती हूँ हम तो तीसरे दिन जाने वालों में से हैं इतना हम डेरा सच्चा सौदा को मानते हैं हमने देखा है वहाँ पे क्या है वहाँ जैसा सच दुनिया में कहीं पे भी नहीं है जो हमारे गुरुजी हैं संत गुरमीत डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसान एक ऐसे रूहानियत के बादशाह हैं मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में बताने के लिए ना मेरे पास शब्द नहीं है वो क्या सिखाते हैं वो हमने पता है उस हमारे को उन्होंने क्या दिया वो हम जानते हैं सतगुरु ने मेरे मुर्शिद ने मेरे को ज़िंदगी दी है मेरा एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ था पंत हॉस्पिटल में तो जब मेरा पहली बार ब्लड टेस्ट किया तो 10 ग्राम था और दूसरी बार किया तो 12 ग्राम और मेरे 3 ऑपरेशन हुए थे जब तीसरी बार मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसमें मेरा 15.2 ग्राम खून बढ़ गया उस सतगुरु की रहमत से उस सतगुरु ने मेरा जो ऑपरेशन हुआ उसमें किसी भी व्यक्ति का ब्लड नहीं लेने दिया उसने ऐसी रहमत की मेरे ऊपर और उसने मेरे को ज़िंदगी बख्शी मेरा तो वो हाल था जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे वो बिल्कुल झूठे हैं बिल्कुल बेबुनियाद वो मीडिया ने अपनी तरफ से बना बना के दिखाए हैं बिल्कुल झूठा दिखाया उन्होंने एक भी 1% भी 0% भी उनकी बात सच नहीं है डेरा में जो लड़कियाँ जाती हैं वो कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को अपने घरों से भी ज़्यादा सुरक्षित हैं हमारे सतगुरु ने लड़कियों के लिए ऐसा स्कूल ऐसा कॉलेज बनाया है वहाँ पे वो शिक्षा दी जाती है जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं दी जाती अभी मेरे बेटे की शादी हुई है तो मेरी जो बहू आई है मेरे बेटे की मिसिज वो वहीं पे पढ़ी हुई है और इतनी अच्छी लड़की सतगुरु ने मेरे को दी है मैं तो उसका धन्यवाद करती हूँ अपने सतगुरु का कि उसने ऐसे संस्कारों वाली बेटी जो मेरी बेटी वहाँ पर पढ़ लिख के आई है इतनी इंटेलिजेंट इतने अच्छे संस्कार सतगुरु ने मेरी बेटी को दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती जो आज तक गुरुजी ने लड़कियों के लिए और देश के लिए क्या किया है कुछ कहना चाहेंगे जी बहुत कुछ किया गुरुजी ने 134 मानवता भलाई के कार्य किए हैं गरीब बेटियों के लिए हमारे गुरुजी ने जिनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते तो गुरुजी ने उनका खर्चा उठाया है उनकी संगत भी उठा रही है सारी संगत को हमारे सतगुरु ने ऐसा बनाया है कि वे एक गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं एक बार उनको बस पता चल जाए और लड़कियों के बारे में तो पूछो ही मत जो आजकल आप देख रहे हैं दुनियादारी में कितना गंद फैला हुआ है तो हमारे गुरुजी ने जो बेटियां वहाँ पे पढ़ी हैं और वहाँ पे सेवा करने के लिए भी जाती हैं अपने माँ बाप के साथ तो हमारे गुरुजी ने उनको ऐसी शिक्षा दी है अपने बुजुर्गों का सम्मान करना अपने परिवार की देखभाल करनी और किस तरह से दुनियादारी में रहना है वो हमारे गुरुजी ने सब कुछ सिखाया उनको आपको क्या लगते हैं जो गुरुजी के सत्संग होने चाहिए फिर या फिर बंद कर दिए जाने चाहिए होने चाहिए उनके सत्संग क्योंकि जब तक उनके सत्संग नहीं होंगे ना ये दुनिया में गंदगी इसी तरह से फैलती रहेगी क्योंकि जब गुरुजी सत्संग करते थे तो लोग नाम लेते थे गुरु मंत्र लेते थे और आके अपनी बुराइयों को छोड़ते थे नशा छोड़ते थे लोग बुरी गंदी आदतों को छोड़ते थे मीट मांस को छोड़ते थे लेकिन अब जब से गुरुजी सत्संग नहीं फरमा रहे अपने देश में इतना बुरा हाल हो रहा है हर रोज करप्शन इतना बढ़ रहा है आप सभी जानते हैं कितनी गंदगी फैल गई है उनके बिना तो उनके सत्संग होने बहुत जरूरी हैं
जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में आपका क्या मानना है? वो बिल्कुल झूठ है जी, 100% झूठ है जी, क्योंकि हमें पता, हम वहाँ रोज जाने वालों में से हैं, हमें पता है वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे सिर्फ राम नाम की शिक्षा दी जाती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, लोगों को नशे से दूर किया जाता है, नशे के जो व्यापारी हैं उनके बारे में भी आप देख लो कितना बढ़ रहा है दिन रात। पहले शराब के ठेके दूर थे और अब तो मेन जीटी रोड के ऊपर लगा दिए हैं। क्या ये अच्छी बात है? आप खुद देख लो आके ने कितना बुरा हाल हो रहा है दुनिया में। जो लोग शराब पीते हैं ना उनके घरों में जाके देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए दूध नहीं है। वो शराब भी आप जानते हैं क्या करते हैं अपने घरों में, उन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है। बेटियाँ दुखी हैं, उनकी घरवाली दुखी है, बच्चे दुखी हैं। आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे गुरुजी को लेके? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी को सत्संग करने की इजाज़त दे दी जाए और उनको बाहर भी जल्दी से जल्दी उनकी संगत के बीच में आने देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं लगातार कि ये सबकी गुहार यही है कि गुरुजी को वापस लाया जाए ताकि ये देश फिर से एक बार स्वर्ग बने और यहाँ पर नशा बुराइयाँ जो भी फैल रहे हैं, मांस मीट मछली ये खाए जा रहे हैं और तरह तरह की उससे बीमारियाँ हमारे देश में आ रही हैं, वो रोक दी जाए। धन्यवाद।